मित्रता तो मर्डरर भी हो जाए, दुष्ट भी हो जाए, तो भी मित्रता तो मित्रता है। दिस इज कॉल्ड मित्रता। तुम्हें चलो थोड़ा भाग गया। कहना यह है कि ये परिभाषा अगर हमारे मन में है कि अमुक व्यक्ति हितैषी है, तो हम उससे व्यवहार करते समय उस परिभाषा के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। और कोई आदमी बड़ा सज्जन है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा ये हितैषी नहीं है, डिफरेंट है, या फिर हमारा हितैषी नहीं है, तो यह परिभाषा लेके ही व्यवहार होगी। हम अपनी परिभाषाओं के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। यह परिभाषा क्या है? संस्कारात्मक है। और जब हम व्यक्ति को देखते हैं तो वह स्मृति बन करके प्रत्यक्ष के साथ जुड़ जाती है, तब बोलते हैं उसको प्रत्यभिज्ञा। प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते। इस पर बड़ी अच्छी टीका है सुरेश्वराचार्य जी महाराज की, है ना। पहले जो मैं सोया था वही मैं जगा हूं, ये क्या है? ज्ञान है। पहले जो मैं सोया था वही मैं जगा हूं, यह ज्ञान नहीं है, यह प्रत्यभिज्ञा है। पहले की स्मृति भी साथ में आ रही है ना। ज्ञान होता तब तो आप नए हो जाते, पुराना सब सफा। इसलिए एक तो होती है प्रत्यभिज्ञा, इसको आप देख लो। अच्छा, प्रत्यभिज्ञा में यदि गलती हो गई तो दूसरी चीज आती है भ्रम। नारायण, ये हो गई कृपा भगवान की। भ्रम क्या हुआ? कि एक चीज हमने देखी, लेकिन तत्संबंधी स्मृति नहीं आई, किसी और की स्मृति आ गई, और किसी और की स्मृति प्रत्यक्ष के साथ जुड़ गई। अब देखो, रज्जू को हमने प्रत्यक्ष देखा, लेकिन स्मृति किसकी आई? सर्प की। नारायण। और सर्प की स्मृति हमारे उस समय के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जुड़ी, तो हो गया भ्रम। अब ये प्रत्यभिज्ञा नहीं हुई, अब हो गया ये भ्रम। इदम अंश तो प्रत्यक्ष है, और जो विशेषांश है वो तो स्मरणात्मक होता है ना, स्मरणात्मक होता है। विशेषांश हमेशा स्मरणात्मक होगा, तो विशेषांश में स्मरण किसका आ गया? अन्य का। अयम रज्जु हो, ये रज्जु है महाराज। तो इसमें इदमंश जो है, इदम वह तो प्रत्यक्ष है, और स्मृति आई सर्प की, तो सर्प की स्मृति प्लस इदम, तो ज्ञान क्या बना? अयम सर्पा। बस ये अध्यास हो गया, भ्रम हो गया। देखो, व्यक्ति तो सामने है, लेकिन संस्कार आया कि ये दुर्जन है। सज्जन व्यक्ति सामने है, और स्मृति किसकी आई? दुर्जनता की, ये आदमी जो है दुर्जन है। तो सज्जन व्यक्ति में दुर्जनता का भ्रम हुआ। सज्जन में सज्जन की स्मृति आए तो ठीक है, जो प्रत्यक्ष है तत्संबंधी स्मृति का उदय होना क्या है? प्रत्यभिज्ञा।
जो प्रत्यक्ष है उससे अन्य की स्मृति हो जाना, माने स्मृति का जुड़ जाना, होना मात्र नहीं स्मृति का जुड़ जाना भ्रम है। ऐसे क्लियर ना है ना, आप पहले पढ़ चुके होंगे इसको, दक्षिणामूर्ति तो नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है? आप जानते हो, अब फिर देख लो रिपीट हो गया, तो एक तो प्रत्यभिज्ञा हो गई, दूसरा हो गया भ्रम। तो यह भ्रम कैसा है, बोले ज्ञानात्मक नहीं है, कैसा है, स्मृति रूप। भ्रम दशा में लगता है कि वो ज्ञान है, लेकिन वस्तुतः वह ज्ञान नहीं होता, वो होता है स्मृति। अब देखना जरा, केवल स्मृति को भ्रम नहीं कहते आप। अब किसी की याद आ रही है तो आप उसको भ्रम थोड़ा बोलोगे? केवल स्मृति को भ्रम नहीं कहते, केवल प्रत्यक्ष को भ्रम नहीं कहते। स्मृति और प्रत्यक्ष सही सही मिल जाए तो उसको भ्रम नहीं कहते, स्मृति और प्रत्यक्ष गलत मिले तब उसको भ्रम कहते हैं। तो गलत मिलने का मतलब है कि जिसका स्मरण हो रहा है वो वहां है ही नहीं, आपको जो मालूम पड़ रहा है वो केवल स्मरणात्मक है, वृत्ति रूप है, अंतःकरण में भासमान है, बाह्य देश में भूताकाश में उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। माने अयम सर्प का बाह्य देश में अस्तित्व है क्या? नहीं है, हमारे अंतःकरण में ही है। पश्यन्नात्मनि माया बही, बाहर दिखता है कि देखो वहां सर्प है, लेकिन सच में तो नारायण, वो स्मृति रूप होने के कारण वो हृदय में ही है, भीतर भास रहा है। परिभाषा है, उसको कहते हैं जिसमें आप एक शब्द घटा नहीं सकते, एक शब्द बढ़ा नहीं सकते। महाराज अब इसमें घटाओ बढ़ाओ परीक्षा करो, स्मृति रूप हटा दो तो बात बनेगी। भ्रम का स्वरूप निश्चित नहीं होगा, भ्रम ज्ञान रूप है कि स्मृति रूप है, यह बात नहीं बनेगी। अच्छा पूर्व दृष्ट हटा दो तो स्मृति कहां से आएगी, स्मृति आएगी कहां से? अगर पूर्व दृष्ट ना हो तो स्मृति नहीं आएगी, इसलिए पूर्व दृष्ट भी होना चाहिए। अच्छा अवभाषा हटा दो, अवभाषा हटा दो तो सुषुप्ति में हो, फिर भ्रम किधर है, है? भाई भास ही नहीं हो रहा है तो भ्रम किधर? भ्रम तो तभी जब भास हो। अच्छा परत्र हटा दो, परत्र हटा दो तो ज्ञान हो जाएगा, अभ्यास नहीं होगा। परत्र हटाने का मतलब क्या, फिर तो अन्यत्र ना होकर के स्वत्र हो गया, स्वस्मिन हो गया। आप इसी को ऐसे जोड़ लो, परत्र की जगह स्वस्मिन लिख दो, परत्र की जगह स्वस्मिन लिखोगे तो सारा ताना बाना बिगड़ जाएगा। स्वस्मिन पूर्व दृष्टावभासः प्रत्यभिज्ञा, स्मृति रूप नहीं फिर क्या, प्रत्यभिज्ञा। स्वस्मिन पूर्व दृष्टावभासः प्रत्यभिज्ञा, लेकिन परस्मिन, परत्र माने परस्मिन, परस्मिन पूर्व दृष्टावभासः स्मृति रूपः अध्यासः, ऐसा बनेगा। दूसरे में दूसरे का भास होना कभी ज्ञानात्मक नहीं है, वो स्मरणात्मक ही है, और उसी को बोलते हैं अध्यास।
भाष्यकार ने क्या कर दी, परिभाषा स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभास अध्यास। अब आपको थोड़े वेदांत की अध्यास के संबंध में एक दो बातें और बता दें, फिर अन्य मतों की बात करते हैं। ये सब थोड़ा तकनीकी बातें हैं और कुछ खास नहीं है, खास तो बहुत है लेकिन जिसके लिए है उसके लिए है। देखो, एक होता है स्वरूपाध्यास और एक होता है संसर्गाध्यास। एक होता है अर्थाध्यास, एक होता है ज्ञानाध्यास। कितने हो गए? चार हो गए। स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास। तो हम अभी बाद के दो वालों पे चर्चा नहीं करते। नाम क्यों लिया? नाम इसलिए लिया कि आपके संस्कार में पड़ जाएगी, तो अभी थोड़े देर बाद या अगली कक्षा में चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा। स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास महीनी है इसमें महाराज। स्थूल व्यक्ति के लिए तो इसमें क्या है, क्या है कोई इतना बाल की खाल निकालते हो, है जी महाराज। देखो, जैसे सीप में आपको चांदी का भ्रम हुआ है ना, तो सीप हुआ भ्रम का अधिष्ठान है ना। जहां भ्रम हुआ तो सीप तो हो गया भ्रम का अधिष्ठान, भ्रम स्थल बोलते हैं लोग। और चांदी हुआ अध्यस्त वस्तु है ना। अब ये चांदी क्या है? रजत चांदी ये क्या है, कहां से आई? तो हमारे वेदांत में कहा गया कि यह जो रजत है, चांदी है, ये स्वरूप से ही अध्यस्त है। माने चांदी का पूरा स्वरूप ही क्या है, अध्यस्त है। और सीप क्या है, क्या है? अधिष्ठान है। तो दो स्थिति हो गई, अधिष्ठान है सीप और चांदी है स्वरूपतः अध्यस्त। तो चांदी का स्वरूपाध्यास हुआ है, स्वरूपाध्यास हुआ है कहां पर? सीप में, सुप्तिका में। अच्छा, अध्यास हो गया। अब बताओ मुझे कि सीप का अध्यस्त चांदी के साथ कोई संबंध बना कि नहीं बना? एक स्वरूपाध्यास, एक अधिष्ठान। अब इन दोनों में कोई संबंध भी बना कि नहीं बना? तो एक तो मोटा मोटा कहा जा सकता है कि दोनों का संबंध है अधिष्ठान और अध्यास का, है ना। जो संबंध अधिष्ठान अध्यास में होता है वही इन दोनों में है। लेकिन इतना इतने से काम नहीं चलता। वेदांत ने कहा कि इन दोनों में संबंध हो गया। कैसा संबंध हो गया? बोले संसर्गाध्यास हुआ, संसर्गाध्यास हुआ। चांदी और सीप में संसर्गाध्यास हो गया। कैसे हुआ भाई? तो बोले देखो, कल ही मैंने कहा था दो हिस्से हैं, एक तो सामान्यांश और एक विशेषांश। सामान्यांश को इदमंश बोलते हैं, विशेषांश में नाम रूप आता है।
तो सीप की बात करते हैं हम, तो इदम अंश जो सुक्तिका का है उसमें, उस इदम अंश में स्वरूपतः चांदी का अध्यास हो गया, ठीक है, हो गया अध्यास। फिर उस इदम अंश का उस स्वरूप से अध्यस्त चांदी के साथ संसर्ग अध्यास हुआ, संसर्ग जोड़ा गया, और वो जोड़ा गया अध्यास पूर्वक संसर्ग है, ये वस्तुतः संसर्ग नहीं है, अध्यास पूर्वक संसर्ग है। तो संसर्ग अध्यास होने से हमने कहा इदम रजतम, इदम रजतम, यह रजत है, यह चांदी है, जो यह बुद्धि आती है इदम रजतम, यह जो बुद्धि आती है यह संसर्गाध्यास के कारण है। और इदम रजतम का आधार क्या है, बोले स्वरूपाध्यास, पहले स्वरूपाध्यास फिर संसर्गाध्यास। आपको याद दिलाऊं, अब उस समय यह बात नहीं कही जा सकती थी, आपने दृग्दृश्येक में चर्चा पढ़ी है, अहंकारस्य तादात्म्यम् चिच्छाया देह साक्षी भी सहजम कर्मजम भ्रांतिजन्यम। यह जो भ्रांतिजन्यम संबंध है इसको क्या बोला, उस समय तो हम कुछ नहीं बोल सकते थे, भ्रांतिजन्यम जो संबंध है वो क्या है, वो यही संसर्गाध्यास है। संसर्ग का अध्यास हुआ, दोनों संबंधी हैं, दोनों सटे हुए हैं, इदम और रजत दोनों संबंधी हैं, यह अध्यास है। इदम और सुक्तिका ये दोनों सटे तो हाँ प्रत्यभिज्ञा, गॉट इट, इदम और सीप दोनों जुड़े तो प्रत्यभिज्ञा, और इदम और रजत जुड़े तो यह संसर्ग कैसा है, यह संसर्ग अध्यास है। ठीक है, बोले महाराज स्वरूपाध्यास क्यों लेके आते हो, स्वरूपाध्यास तो वेदांत की जान है। नेदम रजतम, ऐसा ज्ञान हुआ आपको कि यह रजत नहीं है, नेदम रजतम, इससे क्या निवृत्त हुआ, केवल इदम के साथ चांदी का संबंध विच्छेद हो गया है? अगर ऐसा होए तो इसको बोलते हैं सांख्य, सुन लो, इसको बोलते हैं सांख्य, इसको बोलते हैं योग दर्शन। संसर्ग का विच्छेद हो जाना, क्योंकि अविवेक पूर्वक संसर्ग हुआ था, विवेक से संसर्ग का कट जाना है ना, ये क्या है, ये सांख्य योग है, ये अष्टांग योग है, हाँ जी। लेकिन संसर्ग तो कटा ही कटा, साथ में जिसके साथ संसर्ग हो गया था वो भी अध्यस्त थी, वो थी ही नहीं, चांदी का भी निषेध हो जाना, केवल संसर्ग का नहीं, किसका, चांदी का भी निषेध हो जाना, ये वेदांत है। आपको इंप्लीकेशन पता लगा, माने सांख्य क्या बोलता है कि पुरुष और प्रकृति का अविवेक के कारण क्या हो गया, संसर्ग हो गया, तो अविवेक के कारण संसर्ग माने संसर्गाध्यास हो गया। तो सांख्य का कहना है कि पुरुषार्थ आपका यह है कि प्रकृति और पुरुष को अलग कर दो, हो गया खत्म, प्रकृति जिंदा है पुरुष भी जिंदा है। अच्छा, वेदांत ने क्या कहा कि प्रकृति पुरुष अलग है वो तो एक बात है, प्रकृति नहीं है ये दूसरी बात है,
पुरुष में प्रकृति भी अध्यस्त है और प्रकृति का पुरुष से संबंध भी अध्यस्त है, दोनों अध्यास हैं। इसको पकड़ो आप महाराज, जब रज्जु सर्प पे चलते हैं ना तो इम्प्लीकेशन जरा घट लगता है। अब आएगा है, जब इसको हम अप्लाई करेंगे तब देखना इतने इतने से दर्शन का भेद हो जाता है। प्रकृति स्वरूपतः पुरुष में अध्यस्त है, एक। फिर प्रकृति का अध्यस्त प्रकृति का सॉरी अध्यस्त प्रकृति का पुरुष के साथ संसर्ग अध्यास है। संसर्ग अध्यास है। अब बोले महाराज, जब हम कहते हैं प्रकृति मिथ्या, जब हम कहते हैं सर्प मिथ्या है, नायम सर्प, सर्प नहीं है, तो संसर्ग मिटा। वन, सर्प का निषेध हो गया, एक ये बात है, और सर्प का इदमंस के साथ संसर्ग भी मिट गया। ध्यान रखना, जो अध्यस्त सर्प है उसका निषेध होने से संसर्ग में आए हुए सर्प का भी निषेध हो जाता है, इदमंश का निषेध नहीं होता। जिसके ऊपर सर्प प्रतीत हो रहा था उसका निषेध नहीं होता, केवल संसर्गाध्यास की निवृत्ति होती है, अधिष्ठान की निवृत्ति नहीं होती। अगर दोनों की निवृत्ति हो जाए तो बहुत दर्शन हो जाएगा, शून्यवादी हो जाएगा। दोनों ही अगर निवृत्त हो जाएं तो महाराज बहुत दर्शन हो जाएगा। इसलिए हम ये कह रहे थे कि अध्यास जो है वो दो प्रकार से होता है, पहले स्वरूपाध्यास फिर संसर्गाध्यास। योगियों की बात भी हम मानते हैं और बौद्धों की बात भी अर्धांश में मानते हैं। देखो, सांख्यों की बात इसलिए मानी, सॉरी बौद्धों की बात इसलिए मानी कि जो चीज दिख रही है वो स्वरूप से ही अध्यस्त है, नहीं दिख रही है, स्वरूप से अध्यस्त है। सांख्यों की बात ये मानी कि जो स्वरूप से अध्यस्त है उसका अधिष्ठान के साथ संसर्ग हुआ है, ठीक है, संसर्ग अध्यास भी हुआ है। ये दो अध्यासों की चर्चा थोड़ी सी कर दी। अब हम थोड़ा एक परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर हम आएंगे अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास के ऊपर। अध्यास भाष्य है ना, तो इसमें कई तरह के अध्यास आप पढ़ेंगे। अभी धर्माध्यास तो आपने पढ़ा, धर्माध्यास पढ़ा, अब स्वरूपाध्यास पढ़ा आपने, संसर्गाध्यास पढ़ा, ऐसे थोड़े थोड़े करके आते रहेंगे। तम के चित, बोले महाराज मैंने तो ये परिभाषा दी अध्यास की, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टांव भाषा, लेकिन सभी लोग इस परिभाषा को नहीं मानते। तम केचित, तम मने अध्यासम, उस अध्यास को केचित कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग इस तरह से उसको डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं भाई, बोले अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। महाराज इसमें क्या नई बात क्या आ गई, बताते हैं, नई बात तो आती है। अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, तो इसमें है अन्यत्र, ये तो अधिष्ठान हुआ, आपने इसकी जगह पे क्या लिखा था, परत्र, परत्र
इन्होंने कहा अन्यत्र। आपने कहा था पूर्व दृष्टावभासः, इन्होंने कहा नहीं, अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः। पूर्व दृष्टि की बजाय मैं कहता हूं अन्य धर्म का अध्यास हुआ, स्मृति रूपा को इन्होंने छोड़ दिया, पूर्व दृष्टावभासः को छोड़ दिया, परत्र की जगह अन्यत्र स्वीकार किया, वो तो ठीक ही है, अन्यत्र कहो चाहे परत्र कहो वो तो ठीक है, लेकिन पूर्व दृष्टावभासः नहीं बोला, स्मृति रूपः नहीं बोला, क्या बोलते हैं ये अन्य धर्माध्यासः, अन्य धर्म का अध्यास हो जाना। ये किसकी परिभाषा है भाई? तो ये परिभाषा है नैयायिकों की, हाँ जी, और ये परिभाषा है क्षणिक विज्ञानवादियों की, योगाचार की, दो लोगों की यही परिभाषा है। अध्यास की ख्याति माने कहना, ख्याति माने कहना, क्या क्या कथने, अध्यास की ख्याति पांच प्रकार से हुई है, अध्यास की नहीं बल्कि अध्यस्त की कहना चाहिए, जो अध्यस्त है उसको पांच प्रकार से कहा गया है। आत्मख्याति क्षणिक विज्ञानवादी बोलता है, आत्मख्याति, असत्ख्याति या माध्यमिक लोग बोलते हैं, माध्यमिक माने, माध्यमिक माने शून्यवादी, अख्याति ये हमारे यहाँ मीमांसक और सांख्य लोग बोलते हैं, आत्मख्याति ही, असत्ख्याति ही, अख्याति ही, ख्याति अन्यथा माने अन्यथा ख्याति, ये न्याय लोगों की कहना है, न्यायिक क्या बोलते हैं, अन्यथा ख्याति, आत्मख्याति क्षणिक विज्ञानवादी, शून्यवादी बोलते हैं असत ख्याति, और वेदांत बोलता है अनिर्वचनीय। तो ये जो अख्याति है उसमें सांख्य और मीमांसक दो दर्शन आते हैं, है? दो दर्शन आते हैं अख्याति में, असत ख्याति में शून्यवादी आता है, अन्यथा ख्याति में न्याय और वैशेषिक आ जाता है, और आत्मख्याति में क्षणिक विज्ञानवादी आ गए। तो देखो सांख्य योग और मीमांसा ये तीन दर्शन की एक ख्याति है, क्या है वो अख्याति, तीन दर्शनों की एक ख्याति है। असत ख्याति एक दर्शन की ख्याति है, वो है शून्यवादी, चार दर्शन हो गए, चार दर्शन हो गए। अन्यथा ख्याति में दो दर्शन है, न्याय और वैशेषिक, कितने हुए, छह दर्शन हो गए, हैं छह दर्शन हो गए। आत्मख्याति क्षणिक विज्ञानवादी कितने बने, और ख्यातियां बन गई पूरी, वेदांत की अनिर्वचनीय ख्याति कितना हुआ, आठ दर्शन, चार वाक की कोई ख्याति नहीं है, ब्रह्म कोई नहीं मानता, कुछ नहीं मानता, वो तो चारु वाक है ना। तो देखो पांच ख्यातियों में आठ दर्शनों की बात कही है, हिंदुस्तान में ये आठ दर्शन हमारे सिद्ध दर्शन माने जाते हैं। अध्यस्त वस्तु के बारे में ये आठ ख्याति है, जो हम कहते हैं अध्यस्त वस्तु, तो अध्यास जैसा हम समझते हैं ना भ्रम, वैसा सब लोग नहीं समझते हैं, वो परिभाषाओं में थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। वस्तुतः तो प्रपंच के बारे में ख्याति है, क्षणिक
क्षणिक विज्ञानवादी ने कहा आत्मा ही प्रपंच है, शून्यवादी ने क्या कहा असत प्रपंच है। अब देखना ये ख्याति माने सुक्ति का रजत मत समझते रहना, ये जब इसका इम्प्लीकेशन होगा तो एकदम प्रपंच और सत्य हो जाएगा। नैयायिकों ने कहा अन्यथा ख्याति है, मीमांसक योग सांख्य ने कहा अख्याति है। ऐसे इस एक एक शब्द पर प्रपंच के बारे में, जगत के बारे में आठों दर्शनों का अपना अपना सिद्धांत बनता है। कल हम 10:30 बजे चर्चा करेंगे, परिभाषा के अनुसार करेंगे। ओम तत्सत, हरिओम नारायण।